जब 2012 में ये पॉक्सो एक्ट लाया गया तब भी हम लोग यहाँ कई लोग इसके साक्षी बने थे, और 2012 के बाद में जो बदलाव आया और राज्यसभा से होके ये बिल पास होके मोदी सरकार 2 में माननीय स्मृति जी के द्वारा जो यहाँ लाया गया उसका समर्थन करने में यहाँ खड़ी हुई हूँ। आज मैं एक हेडलाइन जो सूरत के सभी अखबारों की बनी है उसी के बारे में बात करने के लिए बार बार अपना हाथ खड़ा कर रही थी, क्योंकि आज 3 साल 7 महीने की लड़की को बलात्कार के बाद हत्या में 8 महीने में पॉक्सो हेड तहत जज पीएस काला ने और सरकारी वकील नयन सुखड़वाला के माध्यम से आज फांसी की सजा सुनवाई गई। और 2012 के बाद जो लोगों में ये जो एक्ट के बाद में जो शायद ये पहला वाकया है जो सूरत के अंदर ये जघन्य अपराध के लिए किसी को फांसी की सजा दी गई। कॉस्मोपॉलिटन सिटी के नाते यहाँ कई सारे ऐसे केसेस बनते हैं, जैसे 2012 में निर्भया कांड बना उस समय भी मुझे याद है स्मृति जी महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी और यहाँ हम लोग हॉस्पिटल में सफदरजंग में 1-7 साल की बच्ची के साथ ये घटना हुई थी वहाँ गए थे। और जो संवेदनशील सरकार ने जो उस समय में भी हम लोगों ने तय किया था कि क्या हमें चाहिए और उसके बाद में जो बदलाव लाए गए कई सारे सुझाव और संशोधन किए गए। मैंने मेरी दोस्त मीनाक्षी से दोपहर को भी पूछा कि जो भी संशोधन किए गए हैं इसमें 7 साल के बदले में 10 साल की सजा, जो पोर्नोग्राफी चाइल्ड को दिखाने के लिए उसके बाद में जो उनको दिखाने के बाद में उनका यूज करने के बाद में जो है उनका मैं स्वागत करती हूँ, और 16 साल से छोटे बच्चे में पेनिट्रेटिव सेक्स में 20 साल की जो सजा की है उसको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। गुजरात की जो मैं बात करूंगी तो एक ही बात मेरा सुझाव है कि आज 1 तारीख से 14 तारीख तक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत गुड टच बैड टच के बारे में महिलाओं को और छोटी बच्चियों को स्कूल में ये जो ज्ञान दिया जाता है उसके बारे में अवेयर किया जाता है और जो कॉम्पेंसेशन मिलता है उनको भी जल्दी से दिया जाए जिसके तहत वो लोग इलाज में अपना इलाज करवा सके, और साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग सेंटर भी होने चाहिए। वैसे ये बिल लाने के लिए जो ये प्रयत्न हुआ है और जो सर्वसम्मति से पास होने वाले बिल में मैं सरकार का समर्थन करती हूँ।